नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा ले और इस घंटी को भी दबाए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। पिछले साल से 50% तक महंगा हुआ जीरा, उत्पादन कम होने से आने वाले दिनों में फिर दामों में होगी बढ़ोतरी। हिमाचल में बनेगी 440 किलोमीटर लंबी 45 नई सड़कें, 250 से कम आबादी वाले गांवों को जोड़ने की तैयारी। राजस्थान में 10 रुपए से ज्यादा सस्ता हुआ पेट्रोल, राज्य सरकार ने वैट में की 2.48 रुपए की कटौती। भारत को $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए पीएम गति शक्ति योजना है महत्वपूर्ण, नितिन गडकरी। बेवकूफ बनाना बंद करें लोग वास्तविक राहत के हकदार, पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। NHAI का बड़ा ऐलान, टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव को मिलेगा मासिक पास। युवाओं में कोविड के अधिक खतरे के लिए वायु प्रदूषण भी जिम्मेदार, श्वसन संक्रमण के खतरों को बढ़ा सकते हैं मौजूद प्रदूषक। पशुपालकों के लिए खुशखबरी, अब पशुओं का इलाज करने के लिए अस्पताल खुद आएगा आपके द्वार। दुनिया का सस्ता दवा खाना बनने की ओर भारत, हर साल निर्यात में $5 अरब से अधिक की बढ़ोतरी। CM भगवंत मान का बड़ा ऐलान, पंजाब में DSR टेक्नोलॉजी से होगी धान की खेती, किसानों के लिए 450 करोड़ रुपए मंजूर। इलाज के दौरान मरीज की मौत को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा पहली नजर में नहीं तय हो सकती चिकित्सीय लापरवाही, पर्याप्त सबूत जरूरी। जंक फूड पैकेट पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी का हो उल्लेख, विशेषज्ञ बोले लोगों को भ्रमित कर रही है स्वास्थ्य संबंधी स्टार रेटिंग। आम चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत करने में जुटी भाजपा, दो तरफा रणनीति के तहत विपक्ष को कर रही है कमजोर। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती से सरकारी खजाने को होगा भारी नुकसान, 1 लाख करोड़ का एडिशनल कर्ज लेगी सरकार। राशन कार्ड सरेंडर या निरस्तीकरण के आदेश को उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया भ्रामक, सत्यापन सामान्य प्रक्रिया। भारत में 2030 तक होगी दुनिया में सबसे अधिक हार्ट अटैक से होने वाली मौत, प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ ने दी चेतावनी। हवाई सफर करने वालों के लिए खुशखबरी, 2024 तक 100 नए एयरपोर्ट के निर्माण का रखा गया लक्ष्य। यूपी बीजेपी को जल्द ही मिलेगा नया अध्यक्ष, दावेदारों में केंद्र से लेकर प्रदेश के मंत्री, बाहरी पर भी दाव खेल सकता है आलाकमान। दिल्ली के एजुकेशन मॉडल के मुरीद हुए तेलंगाना के CM चंद्रशेखर राव, बोले इसे सीखने के लिए अपने शिक्षकों को भेजूंगा राजधानी। समाजवादी पार्टी सरकार की मदरसा नीति को खत्म करेगी योगी सरकार, यूपी में अब नए मदरसों को नहीं मिलेगी सरकारी आर्थिक मदद। सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में खत्म होगा डॉक्टर और पैरा मेडिकल स्टाफ का टोटा, अगले 6 महीनों में बढ़ जाएगी 9800 सीटें। सीरम इंस्टीट्यूट ने 2 से 18 वर्ष के बच्चों में 70 डोज के रूप में कोवोवैक्स के तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति मांगी। बच्चों को मिलेगी कुपोषण से मुक्ति, केंद्र ने कर्नाटक सरकार को मिड डे मील में अंडा रखने की दी मंजूरी, साधु संतों ने किया था विरोध। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी का तुगलकी फरमान, छात्राओं के स्मार्टफोन यूज करने पर लगाया बैन, नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की दी चेतावनी। शरद पवार बोले महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए उठाया गया ज्ञान वापी का मुद्दा। तेलंगाना के CM के चंद्रशेखर राव ने केंद्र पर साधा निशाना, बोले किसान चाहे तो बदल सकते हैं सरकार, हम करेंगे पूरा समर्थन। SBI के करोड़ों ग्राहकों के लिए अलर्ट, फर्जी फोन नंबरों से दूर रहे वरना KYC अपडेट के नाम पर खाता हो सकता है खाली। राजस्थान, केरल के बाद महाराष्ट्र ने भी डीजल पेट्रोल पर वैट घटाया, तुरंत लागू होगा फैसला। लंदन में बोले राहुल गांधी, हानिकारक विचारधारा के खिलाफ लड़ रही है कांग्रेस, देश के संस्थानों को बचाना मकसद। योगी सरकार दे सकती है बिजली उपभोक्ताओं को तोहफा, इस साल बिजली की दरें बढ़ने के आसार कम। भाजपा की राजनीति का मुकाबला नहीं कर सकता विपक्ष, मंदिर मस्जिद मामले पर कांग्रेस से पूरी तरह से निष्क्रिय। अंतरिक्ष सुरक्षा को लेकर तैयार हो रहा है नेशनल डेटाबेस, बम विस्फोट फंडिंग समेत तमाम आंकड़े होंगे शामिल, अमित शाह। उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पहुंचे आर्मी चीफ, सैनिकों को बुलंद हौसले से दुश्मन के नापाक मंसूबों को नकारने के निर्देश।
एलियन से संपर्क साधने की तैयारी हुई तेज। गहरे अंतरिक्ष में एक खास मैसेज भेजेंगे वैज्ञानिक। पृथ्वी की लोकेशन, इंसानों के डीएनए की होगी जानकारी। पालतू कुत्ता रखने वालों को सीएम योगी की सख्त हिदायत। कहा सड़कों पर न फैलाएं गंदगी और वैक्सीन लगवाएं। आटा तेल के बाद अब बीमा तक पहुंची महंगाई की आग। पॉलिसी धारकों के पसीने छुड़ा रही है कीमतें। इंसाकॉग ने भारत में की ओमिक्रॉन के दो नए BA.4 और BA.5 वेरिएंट की पुष्टि। तेलंगाना में 80 साल का बुजुर्ग संक्रमित। सीएम जयराम ठाकुर बोले, बीजेपी सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सेवा क्षेत्रों में स्थापित किए कई मील के पत्थर। बजट सत्र 2022, सीएम योगी की मौजूदगी में हुई विधायक दल की बैठक। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने भी कसी कमर। उत्तराखंड में बढ़ सकता है रोडवेज का 30% तक किराया। टैक्सी और ऑटो के किराए में भी होगा इजाफा। ज्ञानवापी मामले के बीच गोवा के सीएम का बड़ा बयान। प्रमोद सावंत बोले, जहां भी मंदिर तोड़े गए फिर से बनाए जाए। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को मिलने लगी नौकरियां। 26,000 श्रमिकों को संगठित क्षेत्र से नौकरी की पेशकश। यूपी में राशन कार्ड के नए नियमों पर प्रियंका गांधी ने खड़े किए सवाल। कहा, चुनाव के लिए राशन वोट मशीन था। 5 लाख से अधिक आबादी वाले हर शहर में होगी बैटरी स्वैपिंग की सुविधा। नीति आयोग ने जारी किया नीति का मसौदा। बीजेपी ने बंगाल सरकार पर पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने का बनाया दबाव। दिलीप घोष बोले, केवल पुराना राग अलाप रही है ममता बनर्जी। ट्यूमर के उपचार की दिखी नई राह। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के शोधकर्ताओं ने विकसित की नई तकनीक। पीएम आवास योजना में लगा भ्रष्टाचारी दीमक। 6.82 करोड़ रुपए की धांधली उजागर। मिलीभगत से अमीरों ने छीना गरीबों का हक, अब होगी रिकवरी। आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार ने अपनाया जीरो टॉलरेंस की नीति। हथियारों की तस्करी करने वालों पर कसेगा शिकंजा। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो पशुपालकों के लिए खुशखबरी, पशुओं का इलाज करने के लिए अस्पताल खुद आएगा आपके द्वार। जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी पशुओं का इलाज करवाना एक बड़ी समस्या है। ज्यादातर जगहों पर पशु चिकित्सालय नहीं है तो वहाँ तक बीमार पशुओं को ले जाना आसान नहीं है। इस समस्या से निपटने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कदम उठा लिए हैं। अब प्रदेश में पशुओं के इलाज के लिए गांव में ही मोबाइल वैन क्लिनिक पहुंचेगी। राज्य सरकार ने सूबे में ऐसी 48 मोबाइल वैन की व्यवस्था करने जा रही है। साथ ही इसका कॉल सेंटर भी बनेगा, जिसमें पशुपालकों को सीधे संपर्क करने की सुविधा होगी। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से महाराष्ट्र पशुधन विकास बोर्ड को फंड ट्रांसफर किया गया है। मोबाइल वैन से पशुपालन से संबंधित अहम समस्याओं का समाधान होगा। पशुओं का इलाज करने के लिए अस्पताल खुद आएगा आपके द्वार। पशुओं का इलाज करने के लिए अस्पताल खुद आपके द्वार आएंगे। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने 6 लाख पशुओं के लिए 406 मोबाइल पशु चिकित्सा वैन शुरू कर चुकी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती से सरकारी खजाने को होगा भारी नुकसान। 1 लाख करोड़ का एडिशनल कर्ज लेगी सरकार। जी हां, महंगाई से राहत देते हुए केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर प्रति लीटर 6 रुपए की कटौती की है। इस फैसले से सरकारी खजाने को हर साल लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा होगा। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के रेवेन्यू में जितना गिरावट आएगी उतना ही सरकार एडिशनल कर्ज लेगी। वर्तमान में सरकार की तरफ से कई लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। ऐसे में GST और पर्सनल इनकम टैक्स से जो भी एडिशनल कमाई होगी उसे फर्टिलाइजर सब्सिडी और फूड सब्सिडी की फंडिंग की जाएगी। सरकार ने एडिशनल रेवेन्यू कलेक्शन से इस कटौती की भरपाई नहीं करने का फैसला किया है। ऐसे में उसके पास 1 लाख करोड़ रुपए बाजार से उठाने के अलावा कोई साधन नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, पिछले साल से 50% तक महंगा हुआ जीरा। उत्पादन कम होने से आने वाले दिनों में फिर दामों में होगी बढ़ोतरी। जी हां, भारत को मसालों से संपन्न देश कहा जाता है। देश में पैदा होने वाले मसाले दुनिया भर के व्यंजनों का स्वाद बढ़ाते हैं, जिसमें जीरा सबसे विशेष है। लेकिन यह जीरा इस बार देश में नई कहानी लिखने की ओर बढ़ रहा है। आम लोगों के लिए दाल में तड़का लगाना महंगा होने जा रहा है। असल में इस साल नींबू के बाद जीरे के भाव परवान चढ़ने लगे हैं। अनुमान है कि जीरे के भाव 5 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच सकते हैं। हालांकि बीते दिनों इसके भाव में तेजी भी दर्ज की गई थी, जिसके बाद जीरे के भाव में मामूली गिरावट आई है। लेकिन अभी भी जीरे के भाव पिछले साल की तुलना में अधिक चल रहे हैं, तो वहीं आने वाले दिनों में इसके दामों में और अधिक बढ़ोतरी होने का अनुमान है। जीरे के दामों में बढ़ोतरी की मुख्य वजह इस बार का कम उत्पादन रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्चों को मिलेगी कुपोषण से मुक्ति। केंद्र ने कर्नाटक सरकार को मिड डे मील में अंडा रखने की दी मंजूरी। साधु संतों ने किया था विरोध। जी हां, कर्नाटक के 7 जिलों में अगले शैक्षणिक साल में मिड डे मील मेनू में अंडे रखने के
फैसले पर केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। बच्चों को कुपोषण मुक्त करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको किया गया है। राज्य के कई साधु संतों ने दोपहर के खाने में अंडे देने का विरोध किया था। मिड डे मील योजना के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया। इस योजना का 16.06 लाख बच्चों को लाभ मिलेगा, जिस पर 44.94 करोड़ रुपया खर्च आएगा। बता दें 2021 में मिड डे मील का नाम बदलकर पीएम पोषण योजना कर दिया गया था। पीएम पोषण की लंबी चर्चा के बाद 7 जिलों में 46 दिनों के लिए 16.06 लाख बच्चों को दोपहर के खाने में एक अंडा देने की मंजूरी दी गई है। तो दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।